अदरवाइज मैं अभी खैर मनाया क्योंकि मैंने उनसे पूछ लिया सवाल चेंज हुए तो भट्टी साहब मैं भी डर के बैठा हूं मैं भी डर के बैठा हूं मैं तो स्टूडियो में बैठा हूं नहीं नहीं मैं आप लोगों की तरफ से जान की अमान पा के फिर अर्ज करता हूं अर्शद साहब बताया भाई ये कहते हैं कि ये क्या बात की है इसको ना कोई सर है ना पैर है कन्विंस नहीं कर पाए उनके चले ये दोनों का अपना ओपिनियन है मैं सिर्फ आपको आईने पाकिस्तान का आर्टिकल 5 है लॉयल्टी टू द स्टेट एंड ओबीडियंस टू कॉन्स्टिट्यूशन और उसका क्लॉज 1 है कि रियासत के साथ वफादारी हर शख्स की बुनियादी जिम्मेदारी है लॉयल्टी टू द स्टेट इज द बेसिक ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक CMA 2529 2012 जून 6 सन 2012 को इसमें एक फैसला आया था और फैसला साइन किया था उस वक्त इस कमीशन रिपोर्ट का जस्टिस काजी फायजीसा जो कि इस कमीशन के चेयरमैन थे जस्टिस मुशीर आलम साहब इसके मेंबर थे जस्टिस इकबाल हमीदुर रहमान ये भी इसके मेंबर थे और मैं सिर्फ आपको उसका टाइटल पढ़ के बता देता हूं जो फाइंडिंग्स ऑफ द कमीशन जो था कि द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड दिस कमीशन टू प्रोब इनवर्टेड कॉमास टू असर्टेन द ओरिजिन ऑथेंटिसिटी एंड पर्पस ऑफ क्रिएटिंग स्लैग ड्राफ्टिंग ऑफ मेमो फॉर डिलीवरिंग इट टू द चेयरमैन ऑफ द US ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ एडमिरल माइक मुलन फाइंडिंग ऑफ द कमीशन इट हैज बीन इनकंट्रोवर्टिबली एस्टैब्लिश्ड दैट द मेमोरेंडम वॉज ऑथेंटिक जो मेमोरेंडम था वो बिल्कुल सही था हुसैन हक्कानी ने ये मेमोरेंडम ड्राफ्ट किया और इस मेमोरेंडम के वो ओरिजिनेटर थे मिस्टर हक्कानी वाज़ द ओरिजिनेटर एंड आर्किटेक्ट ऑफ द मेमोरेंडम मिस्टर हक्कानी सॉट अमेरिकन हेल्प हक्कानी ने अमरीकी मदद मांगी ही ऑल्सो वॉन्टेड टू क्रिएट अ नीश फॉर हिमसेल्फ मेकिंग हिमसेल्फ फॉर एवर इंडिस्पेंसेबल टू द अमेरिकन उन्होंने अमरीकियों को कहा कि मेरी आपके लिए जो खिदमात है वो नाकाबले फरामोश होंगी इंडिस्पेंसेबल मेरे ख्याल जिससे क्या बहुत ज्यादा खिदमात आपको दूंगा ही लॉस्ट साइट ऑफ द फैक्ट दैट ही इज अ पाकिस्तानी सिटीजन एंड पाकिस्तान एम्बेसडर टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड देयरफॉर हिज लॉयल्टी कुड ओनली बी टू पाकिस्तान और उनकी वफादारी सिर्फ पाकिस्तान के साथ होनी चाहिए अब इसी तरह रेलेवेंस बनाया ना आज वाले उससे कि क्या एक मिनट मुझे बात तो मुकम्मल करने ना दो बंदों की आपने पूरी बात सुनी है सर उन लोगों की बात का ड्यूरेशन भी कम ना मैं चाह रहा हूं सबसे बात हो जाए लेट मी कंप्लीट माय आर्गुमेंट वसीम बदामी लेट मी कंप्लीट माय आर्गुमेंट प्लीज ओनली इफ यू कैन डू इट इन द लिमिटेड टाइम बिकॉज आई वांट अदर मैं इसी में कर रहा हूं इसी में कर रहा हूं आपको उस वक्त बात नहीं आई कि जब बाकी दो बंदों की बात हुई है उन्होंने अपने मुकरर वक्त में बात खत्म करी ना इसलिए उन्होंने तकरीर नहीं की इसलिए लेट मी आंसर इट कोई काम की बात सुननी नहीं है आपने नहीं मेरे ख्याल में तो बाकी मेहमानों ने भी काम की बात की आपके ख्याल में आप ही अकेले कुल हैं सिर्फ आप काम की बात कर रहे हैं मैं भी काम की बात नहीं कर रहा इसका मतलब इफ यू कैन डू इट इन द लिमिटेड टाइम मैं काम की बात नहीं कर रहा तो आपने वो करनी है सुने फिर आप मैं उठ के चला जाता हूं नहीं सर वो तो आपकी चॉइस है लेकिन मैं से चले आपकी मर्जी है जनाब जी इसमें बताइएगा साबिर शाकिर साहब क्या क्या इसमें कहिएगा कि ये सारे का सारा मामला जो कि इनको लगता है कि भाई एक भट्टी साहब के ख्याल में और रोक क्लासरा साहब के ख्याल में कि ये एक बेपर उड़ाई है प्राइम मिनिस्टर साहब ने मेरा ख्याल है कि उनकी